गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 7, ईटिंग फूड। यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो फूड हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलते हैं उन सब फूड के बारे में एक्सप्लेन की। एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। They give us energy, build our bodies and protect us from diseases. यानी कि there are different kinds of foods, यानी कि काफी तरह के अलग अलग तरह के food होते हैं, अलग तरह का खाना होता है। They give us energy, जो कि हमें energy भी देता है। Build our bodies, जो हमारी body को build करता है, बनाता है। And protect us from diseases, और हमें protect करता है, बचाता है किससे, बीमारियों से। Food items That gives us energy are called energy giving food. जो खाने की वाली चीजें हमें energy देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, energy giving food. We need energy to work and play. हमें energy की जरूरत क्यों होती है, to work and play. Work यानी कि काम करने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है। Rice, potato, sugar, butter and ghee gives us energy. इसमें चावल, आलू, sugar, चीनी, मक्खन and ghee gives us energy, ये सब चीजें हमें एनर्जी देती हैं। These are the energy giving food. Potato, sugar, butter, rice are the energy giving food. Food items that make our bones and muscles strong are called body building food. यानी कि जो खाने वाली चीजें होती हैं, makes our bone, जो कि हमारी bones को और muscles को strong बनाती हैं, are called body building food. उसको हम body building food कहते हैं। सोयाबीन्स, पल्सिस, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि जो चीजें होती हैं इसमें सोयाबीन है, दालें हो गई, एग्स हो गए, मिल्क, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो सी फूड, और सी फूड होता है इसमें चिकन और फिश। बिल्ड अवर बॉडी, ये जो सारा खाना है ये सब हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। लुक हियर, मिल्क, एग्स, सोयाबीन, फिश, दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट पेज 46, फूड आइटम्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। यानी कि जो खाना हमें बीमारियों से बचाता है उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर सम एग्जांपल्स। यानी कि इसमें कौन कौन से होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, वेजिटेबल सब्जियां हो गई, मिल्क आर सम एग्जांपल्स, यानी ये सब चीजें क्या है, हमारी प्रोटेक्टिव फूड हो गई। ऑल फ्रूट्स आर ईटन रॉ, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं हम उनको कच्चा खाते हैं, रॉ खाते हैं, रॉ मीन्स कच्चा होता है। मोस्ट वेजिटेबल्स आर कुक्ड, मोस्टली वेजिटेबल्स क्या होती है, कुक पकाई जाती हैं एंड ईटन और खाई जाती हैं। बट सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ, लेकिन कुछ वेजिटेबल ऐसी होती हैं जो कि हम कच्ची खाते हैं। वी शुड ईट फूड फ्रॉम ऑल द थ्री ग्रुप्स टू स्टे फिट एंड हेल्थी। वी शुड ईट यानी कि हम खाते हैं फूड, इन सब तीनों में, तीनों ग्रुप का खाना हम किस लिए खाते हैं, टू स्टे फिट एंड हेल्दी, हम फिट रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं। पीपल हु ईट एग्स, जो लोग एग खाते हैं, फिश खाते हैं, मीठा खाते हैं, आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। पीपल हु ईट ओनली वेजिटेबल्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। यानी कि जो लोग क्या क्या चीज खाते हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और इनके प्रोडक्ट्स, इनसे बनी हुई चीजें खाते हैं, आर कॉल्ड वेजिटेरियन, उनको हम वेजिटेरियंस बोलते हैं। वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें 6 से 8 ग्लासेस पानी दिन में पीना चाहिए, रोज पीना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, यू कम्प्लीट द एक्सरसाइजेज एंड लर्न All MCQs and fill ups true false for your exam. Thanks and have a nice day.